इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 9 एक्सरसाइज 3.2 बी ट्वेल्थ साइंस। समीर मनीष आवाज आ रही है सबको? बिफोर दैट राइट डाउन फॉर्मूलेज सम स्पेशल इंटीग्रल्स सम स्पेशल इंटीग्रल फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए log x a plus x upon a minus x plus c। formula number 3 integration of 1 upon root x square minus a square root x square minus a square dx is equal to x square minus a square okay और है ना थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए लॉग एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 8 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू तो आपको पता है क्या 1 अपॉन ए सेक इनवर्स का फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। आज के जो सम रहे एग्जाम्पल रहेंगे 3.2 पी पूरा किसके ऊपर है ए फॉर्मूले के ऊपर। देखिए एक बार जरा ये तो फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था वहां पे उधर क्या आ गया ए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 अपॉन ए टैन इनवर्स क्या होगा यहाँ पे एक्स यहाँ पे ए है एक्स अपॉन ए ये किसका फॉर्मूला टैन इनवर्स का राइट
नेक्स्ट जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले कॉन्स्टेंट है उसके बाद इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन उसके बाद क्या दिया है, कॉन्स्टेंट दिया है, तो दोनों के लिए क्या लिखना है, वन अपॉइंट टू ए, वन अपॉइंट टू ए, फिर दोनों के लिए क्या होगा लॉग, फिर यहाँ पे क्या करोगे, ए और एक्स है, ए माइनस एक्स है तो ऊपर क्या होगा ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, इसके फैक्टर जो निकल देना, फैक्टर क्या होते हैं ए प्लस एक्स ए माइनस, वही फैक्टर ऊपर लिखना ए प्लस एक्स ए माइनस, देखेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या होते हैं एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा ऊपर माइनस नीचे प्लस, इतना याद रखना, एक्स माइनस ए, इसके फैक्टर लिखना है आपको, इसके जो फैक्टर रहेंगे वही लिखना है, वन अपॉइंट टू ए, वन अपॉइंट टू ए लॉग लॉग रहेगा, फैक्टर होगा वहां पे ऊपर क्या होगा प्लस नीचे माइनस, यहाँ पे माइनस नीचे प्लस, समझा। फोर्थ ए बी फॉर्मूला किसका, साइन वर्स का, साइन वर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा वही कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ए आ गया। फॉर्मूला नंबर फाइव देखो, फॉर्मूला नंबर फाइव में क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं है, तीन फॉर्मूले जो वहां पे रूट नहीं है, बाकी तीन फॉर्मूले वहां पे क्या आ रहा है रूट आ रहा है, ये तो साइन का फॉर्मूला है, सही टेन का वैसा ये साइन का हो गया, लेकिन बाकी जो दो फॉर्मूला है वहां पे कुछ भी नहीं करना, क्या लिखना है लॉग एक्स फंक्शन प्लस जो रूट में हुई, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, क्लियर समझा। और ये तो शेक का फॉर्मूला है, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, वैसा यहाँ पे ए स्क्वायर आ गया तो वन अपॉन ही आएगा, वैसा टेन के लिए आ गया, समझे। एक्सरसाइज 3.2 बी, अवेयर द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन और क्या सेकंड क्वेश्चन, देखते जो फर्स्ट में सेम 4x स्क्वायर माइनस 3 है, यहाँ पे 25 माइनस क्या 9x स्क्वायर, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला दिख रहा है कौन सा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है, ओके दिख रहा है सबको। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 4 है, x स्क्वायर को फ्री करना है, यहाँ पे भी x स्क्वायर को क्या करना है फ्री करना है, x स्क्वायर को कोएफिशिएंट जो भी रहेगा उसको निकालना है, राइट, लिखेंगे चलेगा वो भी आंसर आता है लेकिन वो इजी होगा, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मींस यहाँ पे 4 है तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड एडजस्टमेंट, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, मींस यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 4 अपॉन 4 से डिवाइड करोगे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे कितना होगा 3 अपॉन 4 और dx, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर रूट कितना हो गया रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, इसका ब्रैकेट स्क्वायर इनटू क्या आ गया dx, समझा, आया समझ में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर रूट कितना आता है रूट 3 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 2 इंटू dx, अभी ये जो फॉर्मूला पूरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 2a log x x माइनस अपॉन प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बराबर ना, ऊपर माइनस नीचे क्या है प्लस, बस वही करना है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है इंटू 1 अपॉन 2a, a मींस कौन है यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2, देखो फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log, log क्या है x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करना 1 अपॉन 2a हो गया 2 इंटू a, उसके बाद क्या है log x माइनस a, a मीन्स रूट 3 अपॉन 2 अपॉन x प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट क्या आ गया c, समझा, फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो,
ये टू और टू कैंसिल हो गया, ओनली रिमेनिंग है वन अपॉन फोर रूट थ्री, राइट, फोर रूट थ्री ये टू और टू क्या किया कैंसिल, लॉग यहां पे क्रॉस मिल गया, टू एक्स माइनस क्या होगा टू एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू होगा, अपॉन टू एक्स प्लस रूट थ्री इसका भी अपॉन टू होगा, अपॉन टू होगा कैंसिल होगा, प्लस क्या बचेगा सी, दैट्स द फाइनल आंसर, समझे, वन अपॉन फोर रूट थ्री लॉग टू एक्स माइनस रूट थ्री टू एक्स प्लस थ्री, ये यहां पर भी आप कर सकते हो, फोर एक्स का स्क्वायर कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री, समझे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन अप्लाई करेंगे कैसे देखो, एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस रूट थ्री टू एक्स माइनस रूट थ्री टू एक्स प्लस रूट थ्री, ये आ गया, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखो वन अपॉन फॉर्मूला क्या है वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए कितना है रूट थ्री है, टू रूट थ्री हो गया बराबर, देखो वन अपॉन टू रूट थ्री लॉग आप क्या लिखोगे टू एक्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू एक्स प्लस रूट थ्री, लेकिन ये जो फंक्शन है उसका वापस क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है, क्या निकालना है देखो टू एक्स माइनस रूट थ्री का डेरिवेटिव कितना आएगा टू आएगा, अपॉन टू होगा, अपॉन टू होगा कितना आ गया, आ गया आंसर, समझे, मतलब ये भी ऐसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको वहां पे क्या निकालना है डेरिवेटिव वापस निकालना है, जो 2x माइनस रूट थ्री है ना इसका या 2x प्लस रूट दोनों में से किसी एक का क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है वो अपॉन करना है बस, समझा, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है, समझ में आया सबको, नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल, आई इज इक्वल टू यहां पे भी 9 है डिवाइड बाय 9, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9 यहां पे क्या होगा 25 अपॉन 9 माइनस क्या हो गया x स्क्वायर इनटू dx हो गया, फॉर्मूले में कन्वर्ट 1 अपॉन 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 25 अपॉन 9 मींस 5 अपॉन कितना हो गया 3 इस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अप्लाइंग फॉर्मूला वन अपॉन नाइन, वन अपॉन नाइन उसके बाद लॉग बराबर सॉरी वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए टू इंटू ए ए कितना है फाइव अपॉन थ्री, ए इज अ फाइव अपॉन थ्री लॉग डिटरमिनेंट ऑफ फाइव अपॉन थ्री ऊपर क्या है प्लस अपॉन फाइव अपॉन थ्री माइनस प्लस सी, सिंप्लीफाई करो इसको, अभी ये 329 है तो ये 25 10 होगा राइट, ये 3 डिवाइड ऊपर जाएगा मतलब 3 3 9 कैंसिल कर सकते हो, मतलब 5 10 3 जा कितना हो गया 30 राइट, 5 10 इंटू वापस क्या यहाँ पे 3 बचेगा 30 होगा राइट है, चेक करो 130 लॉग यहाँ पे 5 प्लस कितना हो गया 3x, 5 माइनस 3x राइट, डिनोमिनेटर जो 3 आएगा कैंसिल होगा 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस सी, आंसर क्लियर है सबको, समझ में आया, कुछ हार्ड है यहाँ पे कुछ भी नहीं यहाँ पे बस, शिवम समझा क्या, प्रगति समीर दीप वैष्णवी क्लियर है सबको, उससे पहले आपको फॉर्मूले दिखा देता हूं, एक बार देख लो फॉर्मूले को, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट होगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बाकी दोनों के लिए कुछ भी करना है वन अपॉन लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर जो फंक्शन है यहाँ पे वही लिखना है राइट,
समझे। यहां पे खाली क्या साइन वर्स क्या है एक्स अपॉन ए, साइन वर्स एक्स अपॉन ए। फर्स्ट वन फर्स्ट कन्वर्ट इन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, थ्री इज देयर कोएफिशिएंट लेकिन रूट के अंदर है, क्या है रूट के अंदर, तो डिवाइड बाय रूट थ्री करना है। क्या करना है डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड बाय रूट थ्री, मीन्स वन अपॉन यहां पे क्या आ गया रूट थ्री अपॉन रूट इन साइड रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा एट अपॉन थ्री इंटू डी एक्स, दैट इज वन अपॉन रूट थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एट मीन्स टू रूट टू लिख सकते हो अपॉन थ्री रूट थ्री और ये क्या हो गया स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है राइट, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, क्या आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ में आया। रूट थ्री से क्या किया डिवाइड किया क्योंकि रूट के अंदर है, रूट के अंदर है इसलिए रूट थ्री से क्या किया डिवाइड किया दोनों को, तो वन अपॉन रूट थ्री बाहर ही है। अप्लाइंग फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा है लॉग वाला, लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स प्लस पूरा फंक्शन उठा दो रूट, रूट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू अपॉन रूट थ्री ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। समझा यहां पर, यहां तक सबको क्लियर है राइट। नाउ इसके आगे क्या करना है इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री लॉग एक्स प्लस ये मतलब कौन है ये है राइट ना, यही ना ये पूरा जो है एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट इसका स्क्वायर ये आएगा मींस ये आने वाला है राइट, लेकिन इसमें कमी है रूट थ्री के। देखो एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे एट अपॉन थ्री प्लस, इसके आगे भी सो यहां तक तो लिखेंगे तो भी आंसर क्या राइट है राइट, लेकिन इसके आगे भी सॉल्व कर सकते कैसे देखो यहाँ पे क्या हो गया थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा एट अपॉन क्या आएगा अपॉन रूट थ्री अपॉन थ्री, वापस से रूट थ्री इंटू एक्स रूट थ्री एक्स होगा क्रॉस मल्टीप्लाई राइट, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन क्या है थ्री है यानी कि रूट थ्री है, रूट थ्री इंटू क्या होगा एक्स रूट थ्री एक्स अपॉन रूट थ्री बचेगा मतलब लॉग क्या ऐसा होगा देखो आपको बताता हूँ वन अपॉन रूट थ्री लॉग एक्स प्लस चलिए क्या आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट अपॉन क्या आएगा यहाँ पे रूट थ्री आएगा ऐसा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट और इसको पूरा अपॉन कौन है रूट थ्री, यही हमेशा लिख सकते लॉग रूट थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट माइनस लॉग रूट थ्री, गेटिंग इट। अब बाहर क्या है वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री दोनों को क्या होगा मल्टीप्लाई होगा राइट, ये पूरा क्या पकड़ा है कॉन्स्टेंट, क्या लिया कॉन्स्टेंट और ऑलरेडी यहां पे कॉन्स्टेंट है एक कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट बन गया बड़ा सी। देखो टेक्स्ट में आंसर क्या है ये है क्या ये है ये है, कभी कभी टेक्स्ट में आंसर ऐसा भी थे ए टाइप में, तो ए टाइप कैसा आ गया क्योंकि रूट थ्री से क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। मोस्टली ट्राई करना यहां तक ही लिखना है, ट्राई करो यहां यहां तक आपको राइट मिलेगा, लेकिन कभी कभी शो दैट होता है या आंसर आपको वहां पे दिया रहता है तो लाने का वही लाना है। नवरोधन समझ में आया दीप अनुराग, क्या क्या यहाँ पे थ्री से रूट थ्री से डिवाइड किया वन अपॉन रूट थ्री अपॉन एक्स अपॉन थ्री से डिवाइड किया थ्री कैंसिल हो गया एट अपॉन थ्री, एट अपॉन थ्री को स्क्वायर में डाला मतलब एट का स्क्वायर टू रूट टू और थ्री का रूट थ्री ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला अप्लाई किया कौन सा वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला
लॉग लॉग क्या है एक्स प्लस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए स्क्वायर। ये सिंपलीफाई किया यहां पे 2√2 का 8 हो गया अपॉन 3। नेक्स्ट देखो सेकंड, आई इज इक्वल टू यहां पे कौन है 4 है डिवाइड बाय रूट 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 4 रूट 11 अपॉन 4 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मतलब कितना 1 अपॉन 2 हो गया राइट 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 11 का स्क्वायर रूट कितना हो गया रूट रूट 11 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर राइट माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है बस इतना आ गया आपको आंसर आ गया। ये तो करना है बस ये सारे क्वेश्चन में सबको यही करना है आपको। फॉर्मूले में आ गया फॉर्मूला यूज करो अभी 1 अपॉन 2 रहेगा ये किसका है ए स्क्वायर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ए कौन है रूट 11 अपॉन 2 प्लस सी। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं अंदर 1 अपॉन 2 साइन वर्स 2 डिवाइड ऊपर होगा मल्टीप्लाई मीन आंसर आएगा 2x अपॉन रूट 11 प्लस ओके हो गया। नेक्स्ट जो थर्ड वन है सॉरी सिक्स्थ वन आई इज इक्वल टू यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस क्या दिया है 5 दिया है। सबसे पहले डिवाइड किससे करेंगे रूट 2 से डिवाइड किससे करना है रूट 2 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टू अपॉन रूट रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 बाहर आ गया कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 2 उसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट कितना होता है रूट 5 और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया रूट 2 ये ब्रैकेट स्क्वायर है ए की रूट में डालो ऐसा लिखेंगे चलते हो चलेगा 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अभी फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर्मूला कौन सा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन है लॉग है लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर जो है लिखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 अपॉन रूट 2 इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस सी दैट इज 1 अपॉन रूट 2 लॉग एक्स प्लस रूट रूट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इसका स्क्वायर करना है प्लस सी आंसर हो गया समझे आया समझ में। सबको क्लियर सुने यहां पर सबको समझ में आया मनीष नवरतन अनुराग वैष्णवी क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आपका कोई भी रहेगा तो डिनोमिनेटर जो भी है उसका क्या लेना है कॉन्जुगेट लेना है इसका टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यहां पे क्या है प्रिया क्या रहेगा रूट 9 प्लस एक्स राइट ना यानी कि रूट क्या है 9 प्लस एक्स अपॉन रूट 9 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ दिस दैट इज अ 9 प्लस एक्स
इंटू रूट, यहां पे भी क्या होगा 9 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ओके ये मेन स्टेप है यहां पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट नाइन प्लस एक्स, रूट नाइन प्लस दो बार है, रूट टू कितना होता है टू होता है, इसका रूट निकल, इसका निकल न्यूमरेटर का रूट निकल गया, नाइन प्लस क्या हो गया एक्स अपॉन रूट नाइन माइनस एक्स नाइन प्लस एक्स, अप्लाई फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी हॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट नाइन स्क्वायर कितना हो गया 81, रूट के अंदर ही होगा वो, रूट के बाहर निकलेगा नहीं, ये निकल सकते क्योंकि रूट नाइन प्लस एक्स इसका क्या हो रहा है ये स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर और डायरेक्ट रूट क्या होगा कैंसल, लेकिन यहां पे रूट नाइन प्लस एक्स इंटू नाइन माइनस एक्स रूट के अंदर ही ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, रूट निकलेगा नहीं, समझा सबको 81 यहां पे क्या रहा है 81 माइनस व्हाट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर सबको यहां तक, इज इट क्लियर, 9 प्लस एक्स अपॉन रूट 81 माइनस क्या आ गया एक्स स्क्वायर, देन अब इसके आगे क्या करना है इज इक्वल टू रूट 9 अपॉन रूट 81 या आप 9 स्क्वायर लिख सकते हो, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेके चलेगा बेटर है ये, डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, समझा दो इंटीग्रेशन बन गए फर्स्ट और सेकंड, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है हमने, राइट समझा, ऊपर एक से नीचे क्या है 9 माइनस का एक्स स्क्वायर है, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 81 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ए ये रूट जैसे यहां पे क्या एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिविटी कितना आता है 2x, ऊपर 2x नहीं लेकिन x तो है, 2 को तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, राइट 2 से मल्टी यहां पे 2x आएगा, a क्या हो गया ऊपर क्या होगा f डैश x, नीचे क्या होगा रूट x, f डैश x रूट x का आंसर क्या आता है 2 रूट x, क्या आता है 2 रूट x बराबर ना, 2 रूट सी ना, देखो फॉर्मूले चेक करो इज इक्वल टू ये 9 कांस्टेंट है, 9 क्या हो गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 9 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वहां पे आपको एडजस्ट करना है क्या 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन रूट 81 लिखो या 9 लिखो यहां पे चलेगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 स्क्वायर माइनस क्या गया x स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 9 कॉन्स्टेंट एज लिखो एज इट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कौन है 9, इसका कॉन्स्टेंट बन गया सपोज सी वन प्लस 1 अपॉन 2 इसका डेरिवेटिव ऊपर है, यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या आता है 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला 2 रूट एफ ऑफ एक्स कौन है 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दोनों का कांस्टेंट क्या लिखा सी, इसके आगे ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसल, ये 9 और 9 कैंसल होगा नहीं, इसका एंगल है सॉरी इनवर्स का फंक्शन है वो, और ये 9 है कैंसल होगा नहीं, तो आंसर फाइनल आंसर यहां पे फाइनल आंसर क्या होगा I इज इक्वल टू 9 साइन वर्स एक्स अपॉन 9 प्लस रूट 9 स्क्वायर माइनस स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर 81 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया चेक करो आंसर इज इट राइट और रॉन्ग,
इसका डेरिवेटिव आता है माइनस आता है ना, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस आएगा, तो यहाँ पे साइन क्या होगा चेंज, माइनस टू का इसमें करना है आपको, माइनस टू का यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा ऊपर भी माइनस टू, समझे अभी, नाइन स्क्वायर माइनस एक्स, इसका ड्यूटी क्या आएगा माइनस टू एक्स आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस टू का क्या किया एडजस्टमेंट कर दिया, इसलिए साइन यहाँ पे क्या आ गया माइनस, समझा। ओके हो गया साइन माइनस वहां पे, बराबर ना, बराबर ना, बाकी कोई नहीं ना, यहाँ पे नाइन लिखो या एक्स को चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्या बोल रहे कुछ एक्स्ट्रा है और कुछ, चलो सी द नेक्स्ट वन, सेम ए बी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या करोगे टू प्लस एक्स टू माइनस का एडजस्टमेंट का कॉन्जुगेट लेंगे, तो ऊपर क्या होगा डायरेक्ट लिखो टू प्लस एक्स, टू प्लस एक्स लिख दिया, नीचे क्या होगा रूट फोर या टू स्क्वायर माइनस क्या लिखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोनों को क्या करना है सेपरेट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टू बाहर वन अपॉन रूट टू स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत है टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस टू का एडजस्टमेंट करना है माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स अपॉन रूट टू स्क्वायर माइनस वॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हो गए दोनों के दोनों फॉर्मूले आ गए, ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे होगा टू साइन इनवर्स, राइट ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए कौन है टू, माइनस वन अपॉन टू यहाँ पे टू रूट टू स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी, राइट ना, इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस टू प्लस वन अपॉन टू एंड टू कैंसल माइनस रूट टू स्क्वायर माइनस कर या फोर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। यहाँ पे आपको बाकी नोट्स में वगैरह वहां पे कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आई वन दिया रहेगा, ये आई टू दिया रहेगा, आई वन अलग सॉल्व किया, आई टू अलग सॉल्व किया, जहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, यहाँ पे मैंने क्या किया डायरेक्ट रूट का फॉर्मूला अप्लाई किया, समझे। क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व करना, रूट टेन प्लस सिक्स अपॉन टेन माइनस सिक्स, हो गया। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टेन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व। ये जो क्वेश्चन जो आपको बाकी के सब क्वेश्चन के डायरेक्ट फॉर्मेट में थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर माइनस एक्स, राइट, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं है, ये क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, क्या दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ऐसा रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको, राइट, लेकिन यही क्वेश्चन आप डिफरेंट मेथड सॉल्व करते, फर्स्ट कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड था, सेकंड कौन सा था कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड क्या है फॉर्मूले मेथड, राइट। देखिए यहाँ पे ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना, क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या मेथड है वो, डू यू नो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये दो टर्म और ये तीनों को दोनों को पहले सेपरेट करना है, इसके बाद इसके साथ कंप्लीट स्क्वायर होने के लिए एक थर्ड टर्म फाइंड करनी है आपको,
वो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका क्या होता है स्क्वायर, टू वन जा टू फोर जा कितना आता है 16, ये 16 यहाँ पे प्लस होता है और आगे वाले टर्म में क्या होगा माइनस इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, दैट इज ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर। कैसे लिखते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, 16 का स्क्वायर रूट फोर, मिडिल टर्म का साइन प्लस ब्रैकेट स्क्वायर और यहां पे क्या हो गया इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स प्लस फोर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस क्या आ गया टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर। मतलब ये जो क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट में होगा तो रूट में, वो फॉर्मेट में हम ला सकते हैं इसको, गेटिंग इट। तो कभी यहां पे कैसा करना है यही क्वेश्चन में सॉल्व करना है, यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो नहीं था, यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू जीरो नहीं दिया है, वहां पे इज इक्वल टू जीरो था क्वाड्रेटिक था राइट, यहाँ पे फैक्टर निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या मिला आपको यहाँ पे अभी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एट कितना हो गया 16, तो यहाँ पे प्लस होगा तुरंत यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो एडजस्टमेंट के लिए या प्लस 12 ऐसा लिखो तो भी चलेगा इंटू डी एक्स, यानी प्लस 16 माइनस 16 का क्या किया एडजस्टमेंट, वाय टू मेक द कंप्लीट स्क्वायर, टू मेक द कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, इसमें दो पार्ट हो गए राइट, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट एक्स, देन स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज अ 4, मिडिल टर्म साइन क्या हो गया प्लस ब्रैकेट स्क्वायर और माइनस 16 प्लस 12 क्या होता है माइनस 4, क्या आ गया माइनस 4 इंटू यहां पे क्या है डीएक्स है इंटीग्रेशन यहां पर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 मींस 2 स्क्वायर इंटू क्या आ गया dx, ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, इसका आंसर क्या आता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन क्या हो गया x प्लस a प्लस c राइट है, apply this is equal to 1 upon 2a मतलब कौन है 2 log x मतलब कौन है यहाँ पे x plus 4 आगे क्या है minus a मतलब minus 2 upon x मतलब कौन है यहाँ पे x plus 4 और plus a मतलब plus 2 प्लस कॉन्स्टेंट क्या आ गया सी, क्लियर समझा इज इक्वल टू 1 upon 2 हाँ 1 upon 2a ना 2a मतलब 2 into a 2 1 upon क्या हो गया यहाँ पे 4 1 upon 4 log सिंपली अगर इसको x प्लस 4 माइनस 2 कितना हो गया x प्लस 2 अपॉन x प्लस 6 प्लस सी, समझा समझ में आया सबको, सबको क्लियर है अब देखो यहां पे आंसर कैसा आएगा, 12 के फैक्टर कितने आते हैं दो फैक्टर 6 और कौन सा 2, 6 टू जा 12 ओके, मतलब फैक्टर क्या होने वाले x plus 2 एंड व्हाट इज x plus 6 2 और 6 में छोटा कौन है 6 बड़ा कौन है 6 सॉरी छोटा 2 है 6 स्मॉलर है ग्रेटर है और ये स्मॉलर है राइट, तो फैक्टर कैसे लिखोगे log x plus 2 छोटा वाला बड़ा ऊपर और x plus क्या होगा 6 ये आपका आ गया समझा इतना Then, 1 upon, यहाँ पे 2,
क्या लिखना है टू, और क्या अपना आपको चाहिए ए चाहिए, क्या चाहिए ए सिक्स माइनस, या आपको ए भी कर सकते हो सिक्स माइनस टू यहाँ पे डाल लिया फोर, या टू इन टू, टू इन टू सिक्स माइनस टू, सॉरी सिक्स माइनस टू का स्क्वायर रूट कितना हो गया फोर, टू वन अपॉन फोर इंटू लॉग क्या हो गया एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस सिक्स यहाँ पे कितना आ गया फोर, ओके कौन से ए टाइप के क्वेश्चन के लिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप में बनेगा तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, आपको फाइंड क्या करना है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म यहां पे क्या आएगा पहले कोई भी चीजें कोई भी चीज कितना वन है कोई भी कंप्लीट स्क्वायर का मेथड फर्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है उससे क्या करना है सबको डिवाइड करना है, ये पहला है राइट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो थर्ड टर्म फाइंड कर सकते हो, वन कोएफिशिएंट है नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड करना आपको वन अपॉन टू इंटू वन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आ रहा है यहाँ पे वन आ रहा है वन अपॉन टू इंटू वन इसका ब्रैकेट स्क्वायर करो कितना आएगा वन अपॉन फोर आएगा, वन अपॉन फोर प्लस और क्या करना है माइनस करना है पहले प्लस बाद में माइनस मीन्स वन प्लस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर पहले वाले में प्लस पहले कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट प्लस हो गया पहले एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स वहां पे प्लस हो गया जो पहला रहेगा उसमें क्या करना है प्लस और नेक्स्ट वाले में क्या करना है माइनस देन प्लस एक्स माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ सिंप्लीफाई इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4, 4 प्लस 1, 5 अपॉन 4, दैट इज रूट 5 अपॉन 2, चलेगा? या 5 अपॉन 4 लिखता हूँ, चलो। यहाँ पे सबका माइनस साइन लो बाहर, माइनस बाहर, अंदर क्या होगा? 1 अपॉन 4 प्लस बन गया, या x स्क्वायर पहले प्लस बन गया, फिर प्लस x का माइनस x हो गया, माइनस का प्लस 1 अपॉन 4, ब्रैकेट क्लोज, इनटू dx, समझा? सबका साइन माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस था प्लस हो गया फिर प्लस ऐसा माइनस एक्स माइनस का क्या बन गया प्लस, समझा? अभी ये माइनस क्यों हो गया प्लस क्यों हो गया, ये माइनस के इसीलिए तो प्लस आ गया तो ये टर्म प्लस होना चाहिए, ये टर्म भी क्या आना चाहिए प्लस, मिडल टर्म कुछ भी हो प्लस माइनस उससे फर्क पड़ेगा नहीं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन फाइव मतलब क्या हो गया रूट फाइव अपॉन कितना होगा टू ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये हो गया कंप्लीट स्क्वायर यानी कि एक्स मिडल टर्म साइन माइनस वन अपॉन फोर का स्क्वायर रूट कितना आ गया वन अपॉन टू इसका स्क्वायर इनटू डीएक्स हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर राइट ना, क्या है फॉर्मूला वन अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हाँ ए स्क्वायर वन अपॉन टू ए वन अपॉन टू ए टू ए ए मीन्स क्या यहाँ पे रूट फाइव अपॉन टू लॉग पहले यहाँ पे माइनस वहां पे प्लस ए प्लस एक्स मीन्स रूट फाइव अपॉन टू प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू ओके ए प्लस एक्स और यहाँ पे माइनस होगा रूट फाइव अपॉन टू माइनस एक्स और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस वन अपॉन टू हो गया माइनस माइनस क्या बन गया प्लस प्लस। अभी यहां से क्या करना है सिंप्लीफाई करना है ये टू को टू कट हो गया कितना आ गया वन अपॉन रूट फाइव लॉग लॉग यहाँ पे सिंप्लीफाई करो देखो टू है यहाँ पे टू है यहाँ पे टू है बीच वाले टर्म को टू नहीं है तो टू से मल्टीप्लाई तो टू एक्स रूट फाइव माइनस वन बराबर रूट फाइव माइनस वन प्लस क्या हो गया टू एक्स चलेगा अपॉन टू वही यहाँ पे भी करना है रूट फाइव प्लस वन माइनस टू एक्स राइट
दोनों का डिनोमिनेटर 2 आने वाला है, वो क्या होगा कैंसल, प्लस क्या हो गया c, समझे? रूट फाइव माइनस वन प्लस टू एक्स, रूट फाइव प्लस वन माइनस टू एक्स, राइट है? आंसर चेक करो, राइट इट, हो जाते थे एक 13 करते, स्टॉप करते 13th. I is equal to integration of 1 upon I minus 4x minus क्या है 3x square into dx. सबसे पहले डिवाइड करना है इससे 3, right? Divide by 3. See, is equal to integration of 1 upon 3 upon 5 upon 3 minus 4 upon 3 x minus क्या हो गया x square into dx. 1 upon 3 constant बाहर निकाल दो. 1 upon third term find करना, third term क्या आएगा, third term 1 upon 2 into constant 4 upon 3, right? 2 to the 4, 4 upon 9 means 5 upon 3 plus क्या करोगे, plus क्या करोगे 4 upon 9, बराबर ना, minus 4 upon 9 minus 4 upon 3x minus x square into dx is equal to 1 upon 3 integration of 1 upon simplify करो, दो पार्ट हो गए इसके, first part ये है, second part ये है. यहाँ पे 3 multiply by 3 means 515 plus 4 19 हो गया, कितना हो गया 19, बराबर ना, right है, 19 upon क्या होगा 9, right? यहाँ पे minus sign common लिया, bracket के अंदर x square पहले, ये प्लस होगा 4 अपॉन 3x, ये भी प्लस होगा 4 अपॉन 9 इनटू dx, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मेट में आ गया a स्क्वायर, मतलब यहां पे रूट 19 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म यहां पे कौन है x, लास्ट टर्म 2 अपॉन 3, राइट, और मिडिल टर्म साइन क्या है प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डीएक्स, हो गया आया. अब इसको क्या करना है, आंसर फॉर्मूला आ गया ना, यहाँ पे बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 3 इनटू 1 अपॉन 2a, बराबर है 1 अपॉन 2a, a कितना है यहाँ पे रूट 19 अपॉन 3, राइट, log log a plus x, a root 19 upon 3 plus x plus 2 upon kya hai 3 upon root 19 upon 3 minus x minus 2 upon 3, right na, ye minus kiya to dono term kya banenge minus banenge plus c is equal to, अब कैंसिल क्या हो रहा है देखो, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, देखो 3 3 कैंसिल हो रहा है, यहां पे ये 3 और ये 3 क्या हो गया कैंसिल, यहां पे डिनोमिनेटर इक्वल कर देना, हो गया आंसर 1 upon 2 root 19 log, यहां पे root 19 plus 2, रूट 19 प्लस 2 प्लस क्या होगा 2x अपॉन रूट 19 माइनस 2 माइनस 2x, हाँ 3x, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 होगा, ओके 12th स्टैंडर्ड, लास्ट क्वेश्चन नाउ कैन एंड